तो मैं सेकंड वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कुछ कपड़े डाल के आई थी धुलने के लिए, और अभी मेरी रूम की हालत बहुत गंदी हो रही है क्योंकि आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगवाई अपने रूम में। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं, धुल चुके कि नहीं धुल चुके चेक कर। मुझे है ना थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, मैं सोचू वीडियो अपलोड करके ना थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, उसके बाद ना कपड़े ही लगा दूंगी, पसार दूंगी। और अब मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ, उससे पहले मैं ना ये कर दूँ, पहले वीडियो अपलोड करती हूँ। क्योंकि वीडियो कल भी मेरा नहीं गया था, कल इसलिए नहीं गया था कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम हो जाता है, लाइक मेरी काम होते हैं तो उसमें मैं ना बाहर कभी आना जाना, तो उस वजह से वीडियो का टाइमिंग थोड़ा वैसा हो जाता है, गड़बड़ा जाता है या वीडियो रेडी नहीं होता है। हो रहा है यहाँ पे बारिश हो रही, तो शायद मुझे फ़ोन थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पे। कितना अच्छा लग रहा है यार, सच्ची में बहुत मजा आ रहा है, बहुत। हालत थोड़ी अजीब सी हो गई। वाह यार कितना सुंदर है यार, आप लोगों को दिखा। हाँ चुप करके दिखा। तो आज हम आए हैं सांची घूमने के लिए, और सच बता रही हूँ ये मुझे ऐसे ही उठाना है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से एक जीना गया है और बाहर की भी लोकेशन दिखाते हुए हम जीना चढ़ रहे हैं। तो आज मेरी पैकिंग चल रही है क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं पुणे और घर छोड़ रहे हैं। तो ये देखो अभी सब कुछ बिखरा रखा है, सब पैक कर रही हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट काम करती हूँ, फोन चार्जिंग पे लगाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी बस आ गई थी और हम लोग बस में हैं, और आज मेरा फिर से वीडियो नहीं जाएगा। उसका रीज़न है, आप लोगों को पता है कि ट्रैवल करते टाइम नहीं हो पाता है वीडियो पोस्ट, और एडिटिंग भी नहीं की मैंने इसलिए। और देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे हम। हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं और ये अपना मैच देख रहे हैं, और कितने क्लियर पिंपल्स दिख रहे हैं, चेहरे कितना चीज लग रहे हैं। तो यहाँ पे बस रुकी थी, हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या खाओगी, और यहाँ पे आप लोग इंजॉय कीजिए, हम लोग पुणे के लिए रवाना हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पुणे वापस। तो यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था, दाल चावल, और इन्होंने की थी रोटी ऑर्डर। और यहाँ हम पुणे पहुँच गए हैं और बस ओला बुक करके हम जा रहे हैं घर। तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और हमारे घर की भी हालत उथल पुथल है। दीदी आएंगी, साफ़ सफाई करेंगी, वैसे साफ़ सफाई कुछ करनी नहीं है क्योंकि हमारे ऑलरेडी
बर्तन वर्तन साफ हैं और मैं साफ करा के गई थी, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई थी। अब जाके अपना छोटा मोटा काम देखती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय और पास्ता रख दिया बनने के लिए, बहुत ही भूख लग रही है। अब देखते हैं, मिलते हैं। चाय और पास्ता, पास्ता बन के रेडी हो गया है। तो हम अपने रूम का टीवी उठा के ले आए थे यहाँ पे, ये इसलिए टीवी लेके आए क्योंकि अभी ये जाएंगे काम पर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं घर पे बोर होंगी, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि टीवी वहाँ पे लगा है तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे टीवी इन्होंने लगा दिया।